नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है, FIR दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दूं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अली मेहंदी की कॉल पर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ओखला विधानसभा में एक बड़ा एहतजाज हुआ है, बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें नरसिंहानंद सरस्वती का पुतला जलाया गया है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के शाहीन बाग SHO ने तमाम उन लोगों को डिटेन किया जो लोग पुतला जला रहे थे और वहां उस वक्त मौजूद थे। काफ़ी देर बाद उन सबको छोड़ा गया है। उन तमाम लोगों की मांग ये थी कि नरसिंहानंद सरस्वती को फौरन गिरफ्तार किया जाए। के तहत इस नरसिंहानंद को फांसी की सजा की मांग करते हैं। क्या इसको फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। वसीम भाई से आग लगवाओ इसमें। वसीम भाई आग लगाओ। ठीक है, ठीक है, मारो बहनचो, मारो जूते, मारो जूते, मारो इसमें जूते। फेस तो जल गया उसका पहले ही। तो देखा आपने किस तरह से नारेबाजी और उसके साथ जो गुस्सा है मुसलमानों में, और उनके साथ कई लोग हिंदू भी मौजूद थे। अभी इसी से जुड़ता हुआ एक और मामला मैं वो भी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। मुकेश शर्मा जो कि कांग्रेस के 5 बार के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अपने तमाम हिंदू साथियों के साथ मिलकर नरसिंहानंद सरस्वती का पुतला फूका है और डिमांड की है कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत को नुकसान पहुँचाने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, UAPA लगाना चाहिए और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है। बहनों भाइयों, नरसिंहानंद वो आदमी है जो सेकुलर मुल्क के अमन चैन को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए हैं और इस मुल्क के में सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, तो हम तैयार हैं। यह देश जितना हिंदू का है, जितना मुसलमान का है, उतना सिख का है। यह देश से मुसलमानों को अलग करना एक बड़ी साजिश है और हम इस साजिश के खिलाफ है। नरसिंहानंद को सरकार, ये हुकूमत तुरंत गिरफ्तार करके कानून के पक्ष में फैसला ले। नरसिंहानंद की गिरफ्तारी अमन चैन के लिए जरूरी है। धन्यवाद। इसके अलावा और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, दिल्ली का बदरपुर इलाका हो या और कई इलाके, जहां अली मेहंदी ने एक कॉल दिया था, अली मेहंदी उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनके एक कॉल पर ये तमाम लोग जो कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के झंडे के साथ लगातार नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। अली मेहंदी ने ही सबसे पहले इस पूरे मामले में FIR थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में दर्ज कराया था और उसी के बाद ये पूरा मामला अभी यहाँ तक पहुँचा कि तमाम जगह उसको लेकर FIR दर्ज हुए नरसिंहानंद सरस्वती के पूरे मामले को, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है।